नेशनल खत्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खत्म कर दी है ना कश्मीर में, इसको रखना ही नहीं है। इन्होंने बर्बाद किए, इन्होंने कब्रिस्तान भरवाए, इन्होंने कब्रिस्तान हमारे यहाँ भर कश्मीर के अंदर भर दिए, इन्होंने मरवाए। अब जो जो काम मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। युवा को ख़त्म कर दिया, आगे वाले नस्ल आने के लिए इन्होंने रखी नहीं है, इन्होंने ख़त्म कर दिया कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान रेडियो सड़कों पर घूमते हैं, रेडियो पर काम करते हैं, डिग्रियां करके हासिल करके डिग्रियां करके बच्चे इस वक्त रोडों पे घूमते हैं। फिर यहाँ गलत काम भी कोई कर सकता है, जब वो पढ़ लिख के उसको नौकरी ना मिली, कोई रोजगार ना मिला, तो उसने पुट्ठा काम करना है ना। मैं मोदी जी ने वो कुछ कोठे दिए थे गरीबों के लिए, वो मकान बनाने के लिए, वो गरीबों को मिले नहीं, वो एनसी वालों ने खुद उधर से लिए, इधर से भेज डाले और अपने चमचों में दिए, गरीब किसी को नहीं दिए। ये 370 के बाद से क्या माहौल यहाँ पर बदला है? देखो 370 हमारे गरीबों के लिए मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ था वो, क्योंकि वो इन बड़े लोगों के पास था, उसका फ़ायदा इन लोगों को था, हम लोगों को नहीं था। हम जो गरीब लोग हैं, हमारा गरीब तबका जो है, उनके लिए कुछ नहीं था। गलती तो इनकी है, तोड़वाने की भी गलती इनकी है, बनवाने की शोर भी यही उठवा रहे हैं। इन्होंने तोड़वाया भी, इन्होंने शोर उठाया भी, गरीबों का कोई मसला उसमें नहीं था। अगर था तो इनकी अपनी गलती है, ये अपने कुर्सी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। आज तक 40 साल या 60 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, क्या फ़ायदा मिला हमें गरीबों को? इन्होंने हमें दबा कर रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दबा के रखा है गरीबों को, दबा के रखा था। आज अगर हमें आज़ादी दी तो हमें आज़ादी, अगर अपनी उड़ी की, मैं उबड़ी की कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, तो सिर्फ ताज मुहिद्दीन ने दी हमें आज़ादी। ये आज़ादी हमें ताज मुहिद्दीन, हमारा 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। हमें लगता है उड़ी हमारी 2008 में आज़ाद हुई है, 2002 में। ऐसा क्यों? उस वक्त ये दबा के रखते थे, इनके कैंडिडेट थे ये, जो भी बनता था इनको अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को बनाते थे, आम गरीबों को रगड़ते थे, आम लोगों के पास कोई पहुंचा नहीं। अगर दिलाया तो ताज मुहिद्दीन ने दिलाया, हर गरीब को, हर फर्द को। ये रोड हमारे आजकल जो इधर चलते हैं ना, ये जो रोड चलते हैं, ये सिर्फ ताज साहब का देन है, गली गली कोचे कोचे में। अभी कुछ बाकी जो रहा है तो सिर्फ ताज साहब बनाएगा, ये नहीं बना सकते, इनका काम ही नहीं है, ये सिर्फ इक्तदार के लिए। बाकी रहा सेंटर में, सेंटर की बात है, जब से मोदी जी आया एक गरीब को सुख का सांस मिला है, खाना तो उसको मिलता है ना, कोठे दिए या एक गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं था। मोदी जी के टाइम एक चीज़ ये आ गई कि हर एक इंसान की सुनवाई होती है। क्या कह रहे थे? मैं मोदी जी ने वो कुछ कोठे दिए थे गरीबों के लिए, वो मकान बनाने के लिए, वो गरीबों को मिले नहीं, वो एनसी वालों ने खुद उधर से लिए, इधर से भेज डाले और अपने चमचों में दिए, गरीब किसी को नहीं दिए। ये लोग नहीं हमें पूछने वाले, ये लोग नहीं, हम वैसे हैं जैसे हैं। अब वोट आज इलेक्शन आ जाता है, सब हाजिर हो जाते हैं, भाई वोट डालो, ये करो। अब जो जो काम मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। बेकारी इतनी है सर, इतनी बेकारी है, इतनी बेकारी है कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान रेडियो सड़कों पे घूमते हैं, रेडियो पे काम करते हैं, डिग्रियां करके हासिल करके डिग्रियां करके बच्चे इस वक्त रोडों पे घूमते हैं। फिर यहाँ गलत काम भी कोई कर सकता है, जब वो पढ़ लिख के उसको नौकरी ना मिली, कोई रोज़गार ना मिला, तो उसने पुट्ठा काम करना है ना। ये तो हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवा के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसके साथ हमारे बच्चे रोज़गार में लग जाएं, हम भी सुख का सांस लें। हम थक गए हैं, अब हमें कोई ताकत नहीं अब रह चुकी है, क्यों? इन्होंने हमारे सब बीजा तक इन्होंने हमारा ख़त्म कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म कर दी है ना कश्मीर में, इसको रखना ही नहीं है। इन्होंने बर्बाद किए, इन्होंने कब्रिस्तान भरवाए, इन्होंने कब्रिस्तान हमारे यहाँ भर कश्मीर के अंदर भर दिए, इन्होंने मरवाए। सब तो बड़े यही घोटालेबाज हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं, नौजवान मरवाए, इन्होंने मरवाए। जेल भेजना चाहिए, अगर मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर होता तो जेल इनको भरना चाहिए, जिन्होंने एक ख़त्म कर दिया कश्मीर की, युवा को ख़त्म कर दिया, आगे वाले नस्ल आने के लिए इन्होंने रखी नहीं है, इन्होंने ख़त्म कर दिया। बाकी कांग्रेस का, हम कांग्रेस का बोल रहे हैं ना, कांग्रेस हमारी पार्टी कांग्रेस थी, जो भी काम किए कांग्रेस ने भी हमारे बहुत अच्छे काम किए, उस वक्त भी कांग्रेस ने हमारे काम। आज तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं तो मोदी जी का उसका सराहना जाता है, उसका मोदी जी को सेहरा जाता है। कांग्रेस ने भी हमारे अच्छे काम किए, इधर हम नहीं बोल सकते उनको कि नहीं, मगर खासकर ये जम्मू कश्मीर की जो पार्टी नेशनल पार्टी है,
इन्होंने हमारा भट्ठा गोल करके रखा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मामलती मीर है। आपका क्या नाम हुआ? अलियास अहमद खान।